वोटों का समय आता है तो इनको वोटर आईडी कार्ड, इनको राशन कार्ड, क्या क्या इनको नहीं मिल जाता है। और चाहे उन तमाम सरकारी दस्तावेजों से मजदूर तबके को लाभ मिले या न मिले, राशन कार्ड से गेहूं का एक दाना भी न मिले, पर वो एक दस्तावेज देके इनका वोट बटोरते हैं और बड़ी बड़ी ऊंची मीनार वाली, ऊंचे नाम वाली सरकार बनाते हैं। चाहे पुरानी सरकार कहें या मौजूदा वर्तमान सरकार कहें, हर सरकार मजदूरों के साथ भद्दा मजाक, घिनौना मजाक करती है। व्यक्ति का अपना एक नागरिक अधिकार है। हमारे संविधान में बाबा साहब ने बहुत खूबसूरत संविधान बनाया, आर्टिकल 21, जिसमें चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के डिग्निटी की बात की गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 के बाद, ये वीडियो मीडिया पर मौजूद है और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा 2022 तक ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके सिर पे छत न होगी। 2022 का सूरज ढलने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। ये सारे के सारे लोग, बेदखल लोग, बेदखल होने वाले लोग, विस्थापित लोग, जंतर मंतर पर मोदी जी को बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, 3 महीने बाकी है, हिसाब किताब कर लेते हैं कि कितने घर मिले। जवाबदेही बनती है हरदीप सिंह पुरी जी की, जो अपने आप को हाउसिंग मिनिस्टर कहते हैं। हमारे देश में लगभग 6 लाख लोग विस्थापित हो गए, बेदखल कर दिए गए अपने घरों में से, झोपड़ियों में से, पक्के मकानों से। अरे कहीं तो आप हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे थे, यहाँ तो हमारे कच्चे छप्पर छीन लिए, हमको बेघर बना दिए। अभी जो आपका NCERB का डेटा आया, 1,64,033 लोगों ने जो आत्महत्याएं की, उसमें से 42 से 43 हमारे ही मजदूर हैं, और ये वो दिहाड़ी मजदूर हैं। 1/4 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली और किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की धार चल रही है, तो वो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से यहाँ गरीब मजदूर सभी तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ है सर। सर, ये जिस तरीके से घर तोड़े जा रहे हैं, ये लगातार गरीबों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो गरीबों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये वो गरीब लोग हैं जब गांव में परेशान होकर जब वो शहरों की तरफ पलायन किए थे, या गांव में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं थी जो चरमरा गई थी, और उनको मजबूर होके डिस्ट्रेस माइग्रेशन का शिकार होना पड़ा, या फिर सरकार को अपने काम को शहरों में चलाने के लिए गांव से मजदूरों को शहर लाना पड़ा, क्योंकि अडानी और अंबानी तो यहां पर मजदूरी नहीं कर सकते। ये तमाम लोग जब शहर में आते हैं, इनको जब काम मिलता है तो गुलामी का रेट तो इनको कारखाना, कंपनी और जो भी नियोक्ता होता है उसकी तरफ से गुलामी का रेट मिल जाता है, मजदूरी गुलामी की मिल जाती है, आधी अधूरी सही। अब सवाल खड़ा होता है कि सांझ पड़े घर जाना है तो वो किसके द्वार पर जाएगा। वो मजदूर जो है वापस जाता है सोने के लिए, रात काटने के लिए आशियाने में, वो आशियाना कहाँ से लाए। मजदूर शहरों में काम करते हैं, शहरों के सेंटर में काम करते हैं, उसी सेंटर में के पास में ही ऐसी खाली जगह जहां मजदूरों को लगा कि शहरों के नाले हैं जहां से सड़ी बदबू आती है, वो जगह जहां पर कंटीली झाड़ियां हैं, जहां जंगल की तरह दिखता है, मजदूर वहीं अपना आशियाना और ठिकाना बनाते हैं। कहने के वो घर होता है, पर वो घास फूस का और प्लास्टिक का कहें अभी के दौर में, वो कच्चा छप्पर घर की परिभाषा में नहीं है, पर घर के स्वरूप में इनके लिए महल हो जाता है। जब ये लोग रात काटते हैं, परिवार चलता है, परिवार बढ़ते हैं, लोग आते हैं, झुग्गियाँ और बस्तियों में तब्दील हो जाता है। वोटों का समय आता है तो इनको वोटर आईडी कार्ड, इनको राशन कार्ड, क्या क्या इनको नहीं मिल जाता है। और चाहे उन तमाम सरकारी दस्तावेजों से मजदूर तबके को लाभ मिले या न मिले, राशन कार्ड से गेहूं का एक दाना भी न मिले, पर वो एक दस्तावेज देके इनका वोट बटोरते हैं और बड़ी बड़ी ऊंची मीनार वाली, ऊंचे नाम वाली सरकार बनाते हैं। चाहे पुरानी सरकार कहें या मौजूदा वर्तमान सरकार कहें, हर
सरकार मजदूरों के साथ भद्दा मजाक घिनौना मजाक करती है। ये तमाम सरकारें इन मजदूरों को वोट के नाम पर बसा तो देती है, परंतु यही सरकारें जो इनको बसा करने के लिए आई थी वही अब इनका सहार करने आती है। ये कहती हैं, ये आरएसएस के एजेंडा पर चलने वाली सरकारें हैं जो कहती हैं कि पैदा भी हमने किया सहार भी हम करेंगे। इनको कोई अधिकार नहीं है पैदा करने का और सहार करने का। व्यक्ति का अपना एक नागरिक अधिकार है। हमारे संविधान में बाबा साहब ने बहुत खूबसूरत संविधान बनाया, आर्टिकल 21, जिसमें चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के डिग्निटी की बात की गई है, जिसमें आश्रय की बात की गई है। मैं ये कानून अपने माता पिता और मेरे परिवारों द्वारा बताया हुआ नहीं बता रहा, ये देश की माननीय उच्चतम न्यायालय ऊंची से ऊंची अदालतों ने फैसला दिया। 1980 के दशक की बात करो, ओल्गा तेलिस का फैसला आया, पूरे देश के अंदर जो होमलेस थे उनका मुद्दा उठा कि किस प्रकार से होमलेस को आश्रय मिलना चाहिए, होमलेस मतलब बेघरों को आश्रय मिलना चाहिए। उसके बाद में चमेली सिंह का फैसला आया, उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं सुदामा सिंह का फैसला आया, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अजय माकन का फैसला आया। अरे झोला भर लो उतने फैसले देश की अदालतें देती हैं, किसके लिए? इन तमाम लोगों के लिए जो आज जंतर मंतर आए हैं, इन तमाम बेघर लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो घर के और बेघर के बीच में है, जिनके कच्चे घास फूस के घर हैं, जो घर की परिभाषा में नहीं आते। आज दिन तक इतनी योजनाएं चली, पिछली सरकार ने पंचवर्षीय पे पंचवर्षीय योजना बनाई, मौजूदा सरकार ने उन्हीं योजनाओं के कपड़े उतार के नए कलर के कपड़े पहना के उसको हाउसिंग फॉर ऑल लॉन्च कर दिया। बढ़िया से कहें कि रबड़ी मलाई सबको खिला के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बड़े बड़े भवनों में उसको लॉन्च किया। 2015 के बाद एक ऐसा माहौल आया कि देश में सबको रोजगार मिलेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। इवन देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तो घोषणा तक कर डाली, जिस प्रकार से टीवी में हम देखते हैं कि कैसे रामायण और महाभारतों में वरदान दिए जाते हैं, पर वो तो कभी साकार भी हो गए होंगे क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। वो तमाम लोग जो देते थे वरदान वो साबित होते थे। पर आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 के बाद, ये वीडियो मीडिया पर मौजूद है और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा 2022 तक ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके सिर पे छत न होगी। 2022 का सूरज ढलने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है, ये सारे के सारे लोग, बेदखल लोग, बेदखल होने वाले लोग, विस्थापित लोग जंतर मंतर पर मोदी जी को बुला रहे हैं कि आप आ जाओ, 3 महीने बाकी है, हिसाब किताब कर लेते हैं कि कितने घर मिले। जवाबदेही बनती है हरदीप सिंह पुरी जी की, जो अपने आप को हाउसिंग मिनिस्टर कहते हैं, वो कहाँ हैं, उनको जवाब देना चाहिए और गरीब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो गरीबों के दलितों के पैर धोए थे, वापस इनसे माफ़ी मांगिए, गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर 2015 में जो है ड्यूसिप की पॉलिसी बनी, जो ये कहती है कि 2015 के बाद जो भी आएगा उसको पुनर्वास नहीं मिलेगा, पर 2015 के पहले पहले जो लोग किसी बस्ती में रह रहे होंगे, जिस और वो बस्ती 2006 में बनी हुई होगी, तो उसको हम पुनर्वास देंगे। 2020 में कोरोना ने हमला किया, हमारे देश में लगभग 6 लाख लोग विस्थापित हो गए, बेदखल कर दिए गए अपने घरों में से, झोपड़ियों में से, पक्के मकानों से। अरे कहीं तो आप हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे थे, यहाँ तो हमारे कच्चे छप्पर छीन लिए, हमको बेघर बना दिए, और बेघर बनाने के बाद प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अब आपका प्रोडक्ट बढ़िया हो गया, उसके ऊपर पैकेजिंग होगा, गरीब को प्रोडक्ट बनाकर जब पैकेजिंग किया। घर की बात कही, छत की बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब घर होगा घर में नल होगा, नल में जल होगा, क्या लगता है उस तरीके का विकास दिख रहा है? अरे वहाँ पर नल में जल कहाँ से होगा, जो कह रहे थे कि आपकी जहाँ पे झुग्गी वही मकान होगा, जल तो बहुत कोसों दूर की बात है, वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, पर जहाँ पे झुग्गी थी वहाँ पे उन्होंने शमशान बना दिए हैं, वहाँ पर इन मजदूरों की आत्माएं रो रही है, तो शमशान बन चुका है। 2023 हाउसिंग फॉर ऑल फेल हो चुका है, सब लोग धर्म धर्म की राजनीति में पड़े हुए हैं और इन लोगों को घर नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज दिन तक कोई नहीं उठा रहा है, ये बात उठी थी 1982 में, 1982 में जस्टिस पीएन भगवती ने सुप्रीम कोर्ट को फैसला दिया और उसमें कहा गया था जिस व्यक्ति को
देश की न्यूनतम मजदूरी की दर से कम रेट पे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उसको जो है फोर्स लेबर माना जाएगा और उसको उन्होंने बंधुआ मजदूर कहा। अब देश के अंदर ये वो तमाम लोग अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं, ये मजबूर परिस्थितियों में आ गए हैं, इसलिए ये मॉडर्न डे स्लेवरी है, ये आधुनिक दास्ता और आधुनिक गुलामी है। अभी तक लगभग 6 लाख तो बेदखल कर दिए गए हैं और हज़ारों की तादाद में जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनके अभी चाहे आप कस्तूरबा कॉलोनी का उदाहरण ले लो, चाहे आप शकरपुर ले लो, चाहे आप फरीदाबाद के कृष्णा नगर, दयाल नगर, संजय नगर, एसी नगर, इन तमाम कॉलोनियों को नोटिस गए हुए हैं। गाज़ियाबाद के अपने दिल्ली के बॉर्डर पर गाज़ियाबाद की कड्डा कॉलोनी जहाँ पर नोटिस चले गए, 231 कॉलोनियों को दिल्ली एनसीआर में नोटिस देने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के अंदर 63 लाख परिवारों को बेदखल करने की साजिश बन गई है, कागज रिकॉर्ड पर आ गया है, पर इनके पुनर्वास के लिए भी नहीं है, पुनर्वास के लिए कुछ भी, इनकी पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी तारीफ करी जा रही है, तो अब आप देख लीजिए ना कि वो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा था नारे में कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत कहाँ होता है, अमृत होता है गड़े के अंदर। जब अमृत का जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, अमृत निकला था और सब लोग अमृत चखने के लिए बग रहे थे, ये कौन सा अमृत महोत्सव है? यहाँ पर ये तमाम लोग इस अमृत महोत्सव के इस झूठे गड़े को फोड़ने के लिए आए हैं, ये तमाम लोग आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा है कि हमने दिल्ली में 65,000 लोगों को झुग्गी झोपड़ी में सर्टिफिकेट बांटे, जबकि दिल्ली में 63 लाख झुग्गियों पे हकीकत में बिल्डोजर फिरने वाला है, तो 65,000 झुग्गियों को देने से क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कर्तव्य पूरा होता है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो स्थितियाँ हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर 28,000 घर खाली पड़े हुए हैं, राज्य चाहे इसको एक सेकंड में दे सकता है, परंतु अभी स्थितियां बनी है कि इसको केंद्र सरकार की आदेश पर और यहां के राज्यपाल के आदेश पर किस रूप में परिणित किया जाए, ये मामला अभी ठंडे बिस्तर में है, इन घरों को नहीं दिया जा रहा है। वही हाल होगा कि जो NLMU के तहत आपके फरीदाबाद में घर बने 2006 में और वो बिल्डिंगें सड़ गई, गल गई, हम सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाए खोरी गांव के मामले में कि भाई वो घर अब रहने के लायक नहीं है, 2006 के बने हुए घर 2022 में दे रहे हो, वो तो वहाँ संकट हो जाएगा, कभी भी डिजास्टर हो सकता है, अभी न तो उसका कोई सेफ्टी रिपोर्ट। संजय नगर के मामले में अपना सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सॉरी राजीव नगर के मामले में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने को बोला गया आप सेफ्टी रिपोर्ट दीजिए, इनके पास सेफ्टी रिपोर्ट, तो वो जो आपके घर बने हुए हैं वो जो है भूखंड के रूप में तब्दील हो जाएंगे और वहाँ पर जो है इंसान रह नहीं पाएंगे, और जब वो नहीं रह पाएंगे उस दौर में इनको भेजा जाएगा तो ये भी नहीं जाएंगे। सर, 2024 को लेके क्या तैयारियां हैं, क्योंकि लोग तो अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार वापस यही आएगी, और आप लोग किस तरीके से विरोध करेंगे? देखिए, हम तो विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, हम इस 2024 को लेके विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया, आपने जो योजना बनाई, आपने कानून लाया और आपके देश की सरकार में चल रहा न्यायालय जो आदेश दे रहा है उसको लागू करो, वो आप में से कोई भी लागू नहीं कर रहा है और वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे आगे जो निकम्मी सरकार न तो योजनाएं लागू कर पाए, न इस देश के अंदर वो नई योजनाएं मजदूरों के लिए ला पाए जिसमें रोटी कपड़ा मकान की बात हो, आप जो भी योजनाएं लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट की बड़ी मिनिस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इतने बेरोजगार हैं, अब लोगों को रोजगार तो आप दे नहीं रहे, ये मिनिस्ट्री बना के आप कर क्या लेंगे? तो सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि हम सब लोग, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, हम ये सरकार को बता पाए कि जिस बात पर राजनीति हो रही है, जिसका मुद्दा सरकार लेके चल रही है, वो मुद्दा फंडामेंटल राइट्स को लेकर है ही नहीं, मौलिक अधिकारों पे चर्चा ही नहीं है, लोकतंत्र पे चर्चा ही नहीं है, अब लोकतंत्र भी शर्मा गया है कि उसमें जो विद्यमान है, मौजूद है, वो सब कुछ खत्म हो गया, लागू नहीं हो रहा है, तो कहाँ जाए? इसलिए लोग जंतर मंतर आए हैं। अब आपका एक और मैं बताना चाहूँगा लोक कोर्ट के बारे में, अभी आज दिन तक जो इतने मैंने आपको उदाहरण बताए, ये सारे के सारे जजमेंट थे, वो गरीब व्यक्ति कोर्ट गया और जजमेंट आया, पूरे देश में बदलाव की बात हुई, पर अब तो जजमेंट भी वैसा नहीं आ रहा है। जस्टिस खानविलकर ने एक ऐसा इतिहास लिखा कि जितने गरीब लोग जहां पर भी काबिज हैं उनको हटाया जाए,
पुनर्वास का तो उन्होंने लिख दिया, पर पुनर्वास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सर पिछले समय से लेकर कुछ लगातार जिस तरह से आत्महत्या की बातें आ रही है निकल के, काफी आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपके पास वैसे बेटर डाटा होता, आप ये बताइए क्या आपको लगता है ये जो एग्जैक्ट डाटा है आंकड़ों का, ये इसी कारण से हो रहा है लोग उनके मकान तोड़े जा रहे हैं या कोई और कारण? ये यही तो बात है, अभी जो आपका एनसीआरबी का डेटा आया 164,033 लोगों ने जो आत्महत्याएं की उसमें से 42 से 43 हमारे हैं मजदूर हैं, और ये वो दिहाड़ी मजदूर हैं, 1/4 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली और किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। उनमें से वही लोग हैं जो ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं के परिवार, इन्हीं के रिश्ते वाले, चाहे वो गांव में रहे या शहर में रहे, अब वो मर क्यों गए, आत्महत्या क्यों करना पड़ा? सीधा सा सवाल, न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न काम है, और डाकू बने नेता लोग आदमी गुलाम है। ये मॉडर्न डे स्लेवरी है, आधुनिक गुलामी है जिसकी पहचान करनी है। इतनी नाकामियां गिरा दी है सरकार की, आपने कहा कि निकम्मी सरकार है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि 2024 में यही सरकार आएगी। आज क्या डिमांड कर रहे हैं सर? देखिए 2024 में आप कह रहे हैं कि यही सरकार आएगी तो आपके कहने से नहीं है, जनता इसका जवाब देगी। जनता जो है इसका जवाब देगी कि 2024 में कौन आएगा। सवाल ये नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, इसी जंतर मंतर की धरती पे वो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया करते थे और फिर वो आगे निकलते गए। जब तक आप शिक्षा, आवास, भोजन का मुद्दा नहीं लेंगे तब तक जो है आप आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पर मैं किसी भी आम आदमी पार्टी का प्रशंसक कतई नहीं कर रहा, किसी भी सरकार ने आवास नहीं दिया, परंतु मैं इस बात को बड़े ठोक के कह रहा हूँ कि जब तक आप मजदूर को सम्मानजनक मजदूरी नहीं दोगे वो अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। और रही बात आपकी योजनाओं की, आवास की, तो वो योजनाएं उस रूप में लागू ही नहीं हो रही है जिस रूप में उसको लागू होना था। आपके 100 या 3500 साल लग जाए, ये PMAY का जो ढकोसला ऐसा ही रहेगा। अभी जिस तरीके से हमने इनसे बात की और लगातार जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति चलाई जा रही है, इससे पहले भी बीच में जो है आपने देखा जहांगीरपुरी जैसे इलाके में बुलडोजर चल जाता है, झुग्गी झोपड़िया पे बुलडोजर चल जाता है, मंगोलपुरी जैसे इलाके में बुलडोजर चल जाता है, अब जो है रंगपुरी जैसे इलाके में भी बुलडोजर चलने की जो क्वाद है वो छेड़ दी गई है। अब लगातार जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, ये धर्म के नाम पर जिस तरीके से कानून लाए जाते हैं, क्या कानून को चलाने वाली जो एक तरफा सरकार है लगातार जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति खेल रही है, जिस तरीके से बुलडोजर को शेर की तरह दहाड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, मगर आप देखिए जो गोदी मीडिया के बुलडॉग हैं वो इनके पार्षदों के घरों पर जाकर ना ही बुलडोजर की बात करते हैं, ना ही पूछताछ करते हैं कि अतिक्रमण किस तरीके से किया गया, लेकिन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल जाता है और गरीबों से ही अतिक्रमण की बात की जाती है और गरीबों के ही निर्माण को अवैध निर्माण बताकर और उन पर इसी तरीके की रोटियां सेकी जाती है। और जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर महिलाओं के सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो ये आज देख लीजिए जंतर मंतर पर कैसे सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर और महिलाएं यहाँ पर रोड़ों पर बैठी हुई है एक आवास के लिए, जिनके घरों पर छत नहीं है, खाने को दाने नहीं है, तो वो सोचिए किस तरीके से अपने घर का गुजर बसर चलाते होंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।